देश भर में चल रहे लॉकडाउन के चलते सभी टोल प्लाजा बंद कर दिए गए थे, परंतु सरकार द्वारा 20 अप्रैल से कई क्षेत्रों में लॉकडाउन को ढील दी गई है, जिसके चलते करनाल के समीप बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। टोल प्लाजा पर कार्यरत अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि टोल प्लाजा के उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार 20 अप्रैल से टोल प्लाजा खोल दिया गया है, परंतु अभी सुरक्षा की दृष्टि से 2 या 3 ही लाइन प्रारंभ होती है, जिसके अलावा कैश लेने के लिए सिर्फ 1 ही लाइन प्रारंभ की गई है ताकि सोशल डिस्टेंस बनाए रखा जा सके। उन्होंने बताया कि कैश लेने के लिए अलग से एक टोकरी रखी गई है जिसमें कैश डाला जाता है, ऐसे करने से डायरेक्टर यूजर टच में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर फास्टैग के वाहन ही आज जा रहे हैं जिसमें लेन देन की प्रक्रिया ज्यादा नहीं होती। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हर 4 घंटे के बाद सभी बूथों को सैनिटाइज किया जाता है और सभी कर्मचारियों को मास्क व अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार पास वाले वाहन ही आ जा रहे हैं और वाहनों का आवागमन भी अभी कम ही है। देखिए एक रिपोर्ट। हम लोग के पास 20 तारीख से टोल शुरू करने के लिए NHAI से नोटिफिकेशन आया था, उसी के आधार पर हम लोग शुरू किए हैं। हालांकि ट्रैफिक अभी बहुत कम है, तो जितनी है 2 से 3 लेन चलाते हैं वो उसी में काम हो जाता है। बाकी एहतियात में लड़कों को जैसे कैश लेन देन का 1 ही लेन रखे हुए हैं, तो उसमें भी मतलब डायरेक्ट ना लेके एक टोकरी सा दिए हुए हैं लड़के को कि उसी में पैसे डाले और फिर वो पर्चा डाल के उसी में दे कि डायरेक्ट यूजर के हाथ से वो टच नहीं हो। सैनिटाइजर, सारे बूथ में जो भी लड़के हैं वो सैनिटाइजर सारे बूथ में हैं। अच्छा, बाहर भी सैनिटाइजिंग करवाते रहते हैं 4-4 घंटे, अभी भी लेन में चल रहा है, आप लोग जाके कवर कर सकते हैं इस तरफ के लेन। तो कब से टोल शुरू हो गया? 20 तारीख से, मतलब कल से। सर कोई जो जैसे आते हैं कोई उनके पास वगैरह भी चेक करके भेजे जाते हैं या ऐसे ही मतलब कि भेजे जाते हैं? नहीं, अभी तो फास्टैग वाले मामले आ रहे हैं, तो वो तो जनरल यूजर कोई है नहीं जिसके लिए, क्योंकि अब क्या पास भी फास्टैग में ही इनेबल है, तो अब ज़्यादा हाथ लेन देन और जो विजिबल गाड़ी हैं, जो गवर्नमेंट गाड़ी हैं वो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.